परिवर्तन को लेकर काफी कदम उठाए जा रहे हैं आपके राज्य में? देखिए बिल्कुल, आज ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। जो पैसा आपने सुना होगा पहले बड़े बड़े नेताओं के, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो खुद अपनी सरकार में खुद मंचों से कहते थे कि 1 रुपया बेचते 15 पैसे लगते हैं। हमें इंश्योर कर रहे हैं आज गठबंधन में जो हम सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, दुष्यंत जी के साथ और हम साथ मिलकर सभी, चाहे बतौर मंत्री आज मेरे पास जिम्मेवारी है, मैंने इंश्योर किया है कि अब सरपंचों को चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सारा पैसा हमने नीचे इनके अकाउंट में भेजने काम किया, आप उसको डेवलपमेंट के लिए लगाएं। हाँ, ये जरूर रहेगा कि वो पैसा डेवलपमेंट के लिए ही लगेगा। और कुछ जो मांग थी ये लेकर घूम रहे हमारे साथी, उसके लिए उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज उनसे चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको भी हम छोटा सर ई-कैंटीन को लेकर अभी तक विरोध जारी है और सरपंचों का कहना 11 तारीख को 4,500 गाँव के सरपंचों ने उस पर अपने प्रस्ताव पास करके टेंडर लगवा के काम शुरू करवा दिए गए। कुछ एक हमारे भाई उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने गांव का विकास करें, गांव की जनता ने आपको विकास के लिए चुना है, गांव का विनाश करने के लिए। सरपंचों का यहां तक कहना है कि विधायक और मंत्रियों को गांव में नहीं घुसना दिया जाएगा। जो गांव में खड़े हूँ जो गांव में तो खड़े हूँ आपके सामने खड़े हूँ, हर गाँव में जाएंगे, जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, गाँव का विकास कराएंगे। सरकार से जो फंड चुनी पंचायतें मांगेंगी, पढ़ी लिखी जो पंचायतें बनी है, गांववासी जो इसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट करेंगे, निगरानी कमेटी बनाएंगे, गांव को आगे बढ़ाना हमने, गली नाली और सिर्फ और सिर्फ चौपाल तक गांव का विकास नहीं रुकने देना। हमने जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम जिसमें चर्चा कर रहा हूँ, परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन है, ये होगा। इसमें आम आदमी हमारे साथ जुड़ चुका है, आम आदमी सरकार के साथ खड़ा हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन सर, कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा और अधिवेशन खत्म किया है, अब दोबारा फिर कांग्रेस नया मोर्चा? भारत तो जुड़ा हुआ था, बाहर तो जब आजाद उन सूरवीरों ने कराया उस दिन ही जुड़ गया था, उसके बाद आज तो अपनी पार्टी को जोड़ते हुए घूम रहे हैं, पार्टी बिखरी हुई है, उसके 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 जुड़ाव में लग रहे हैं, उनको परिवर्तन को लेकर काफी कदम उठाए जा रहे हैं आपके राज्य में। देखिए बिल्कुल, आज ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। जो पैसा आपने सुना होगा पहले बड़े बड़े नेताओं के, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, वो खुद अपनी सरकार में खुद मंचों से कहते थे कि 1 रुपया बेचते 15 पैसे लगते हैं। हमें इंश्योर कर रहे हैं आज गठबंधन में जो हम सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, दुष्यंत जी के साथ और हम साथ मिलकर सभी, चाहे बतौर मंत्री आज मेरे पास जिम्मेवारी है, मैंने इंश्योर किया है कि अब सरपंचों को चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सारा पैसा हमने नीचे इनके अकाउंट में भेजने का काम किया, आप उसको डेवलपमेंट के लिए लगाएं। हाँ, ये जरूर रहेगा कि वो पैसा डेवलपमेंट के लिए ही लगेगा। और कुछ जो मांग थी ये लेकर घूम रहे हमारे साथी, उसके लिए उससे भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज उनसे चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको भी हम छोटा सर ई-कैंटीन को लेकर अभी तक विरोध जारी है और सरपंचों का कहना 11 तारीख को 4,500 गांव के सरपंचों ने उस पर अपने प्रस्ताव पास करके टेंडर लगवा के काम शुरू करवा दिए गए। कुछ एक हमारे भाई उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने गाँव का विकास करें, गाँव की जनता ने आपको विकास के लिए चुना है, गांव का विनाश करने के लिए। सरपंचों का यहां तक कहना है कि विधायक और मंत्रियों को गांव में नहीं घुसना दिया जाएगा। जो गांव में खड़े हूँ, गांव में खड़े हैं, जो गांव में तो खड़े हूँ आपके सामने खड़े हूँ, हर गांव में जाएंगे, जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे, गांव का विकास कराएंगे। सरकार से जो फंड चुनी पंचायतें मांगेंगी, पढ़ी लिखी जो पंचायतें बनी है, गांववासी जो इसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट करेंगे, निगरानी कमेटी बनाएंगे, गांव को आगे बढ़ाना हमने, गली नाली सिर्फ और सिर्फ चौपाल तक गांव का विकास नहीं रुकने देना। हमने जो 9 सूत्रीय कार्यक्रम जिसमें चर्चा कर रहा हूँ, परिवर्तन है, व्यवस्था परिवर्तन है, ये होगा। इसमें आम आदमी हमारे साथ जुड़ चुका है, आम आदमी सरकार के साथ खड़ा हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन सर, कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा और अधिवेशन खत्म किया है, अब दोबारा फिर कांग्रेस नया मोर्चा? भारत तो जुड़ा हुआ था, बाहर तो जब आजाद उन सूरवीरों ने कराया उस दिन ही जुड़ गया था, उसके बाद आज तो अपनी पार्टी को जोड़ते हुए घूम रहे हैं, पार्टी बिखरी हुई है, नया मोर्चा उसके जुड़ाव में लग रहे हैं उनको करना।